विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का घुसपैठ है। विहिप ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया और कहा कि सभी राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके इसे लागू किया जाए। मोतिहारी में विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार के 3 दिवसीय अर्धवार्षिक बैठक के दौरान ये बातें कही गयी। बैठक में लव जिहाद, रोहिंग्या और धन परिवर्तन समेत कई राष्ट्रहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। विहिप की सदस्यों ने एक मत से यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं वो तो जघन्य है, और सोशल मीडिया, अन्य तरह की मीडिया के माध्यम से भोले भाले लोगों को फुसलाकर भी जो बातें चल रही है वह भी निंदा युक्त ही है। मुझे लगता है कि इनके ऊपर तो नकेल कसने की आवश्यकता ही है, और जो अत्याचार पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर चल रहे वह भी रुकने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद ने पिछले 3.5-4 वर्षों में जो पाकिस्तानी हिंदू भारत में शरण लेने के लिए आए, ऐसे 3,500 से ज़्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता दिलाने में सहयोग किया है। तो जो हमारे से बनता है इस दृष्टि से पाकिस्तानी हिंदुओं की रक्षा के लिए या सेवा के लिए वह भी विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं। बैठक में यह दावा किया गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ तरह तरह के अत्याचार होते रहते हैं, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। सोशल मीडिया की भूमिका पर भी विहिप ने आपत्ति जताई और इस पर नकेल कसने की जरूरत पर बल दिया गया। बैठक में घोषणा की गई कि लव जिहाद के खिलाफ संत प्रवास का कार्यक्रम चलाया जाएगा। संत प्रवास कार्यक्रम में संत समाज के लोग प्रत्येक घर में जाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं वो तो जघन्य है, और सोशल मीडिया, अन्य तरह की मीडिया के माध्यम से भोले भाले लोगों को फुसलाकर भी जो बातें चल रही है वह भी निंदा युक्त ही है। मुझे लगता है कि इनके ऊपर तो नकेल कसने की आवश्यकता ही है, और जो अत्याचार पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर चल रहे वह भी रुकने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद ने पिछले 3.5-4 वर्षों में जो पाकिस्तानी हिंदू भारत में शरण लेने के लिए आए, ऐसे 3,500 से ज़्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता दिलाने में सहयोग किया है। तो जो हमारे से बनता है इस दृष्टि से पाकिस्तानी हिंदुओं की रक्षा के लिए या सेवा के लिए वह भी विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं। बैठक के आखिरी दिन विहिप के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे भी मौजूद थे।